आगर मालवा के नलखेड़ा के रामचंद ठाकर नामक व्यापारी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। परिवारजनों के द्वारा यह पता चला कि खोजबीन के तहत सामने आया कि आत्महत्या बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ओम प्रकाश मीना एवं इसके साथी शंकरलाल कारपेंटर के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की गई थी। इसका सुसाइड नोट भी पुलिस के पास से, फिर भी पुलिस ने आज तक दोनों अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वरोजगार लोन के बढ़ावा दिया गया, इसके फलस्वरूप लोन की गारंटी मध्य प्रदेश शासन लीती थी। इसमें मध्य प्रदेश सरकार 25-30% लोन वाले संबंधित व्यक्तियों को शासन द्वारा सब्सिडी प्रदान करती थी, लेकिन इसके विपरीत बैंक वाले लोन पास करने के नाम पर 10% से हिसाब से चार्ज डॉक्यूमेंट के साथ ही ले लेते थे और इसमें बैंक के दलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। और अगर संबंधित व्यक्ति 10% राशि नहीं दी जाती थी, इसके लोन कैंसिल कर दिया जाता था। परंतु रामचंद ठाकर द्वारा बैंक मैनेजर को उसके दलाल के द्वारा 10% राशि पहले ही दे दी थी, फिर भी बाद में लोन देने के नाम पर वह मना कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार को यह आत्महत्या वाली स्कीम बंद कर देनी चाहिए, जिससे किसी के परिवार बर्बाद न हो और ऐसी घटना को बढ़ावा देने वाले आरोपी को सजा दी जानी चाहिए। घटना से एक दिन पहले राम भाई ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपनी फोटो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी शेयर करी थी। इससे यह अंदर सा लगता है कि कहीं ना कहीं आरोपी इनका डरा धमका कर रखता है। इसी कारण से वह बात को पहचाने गृह मंत्री के साथ अपनी फोटो शेयर करी थी। यही बीएफ सोचने वाली बात है।